अल्तमस फैजी के खिलाफ जो आम आदमी के उम्मीदवार है उनके खिलाफ आज हम लोग धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन मुमरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर हैं वो जो है पूरी जवाबदारी लिया है कि इस पूरे मामले में छानबीन करेंगे, चौकसी करेंगे और उस पर आम आदमी उम्मीदवार जो पार्टी के उम्मीदवार है उन पर कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कि वो उनको वो बेशरम है, उनको मुमरा छोड़कर चला जाना चाहिए, तो मैं कहता हूँ उनसे कि वो सबसे बड़ा बेशरम है, क्योंकि वो लाइट चोरी की जला रहे थे और उसका मामला दर्ज भी हुआ मुमरा पुलिस स्टेशन में। तो चोर कौन है, अल्तमस फैजी है या मैं हूँ? और एक बात और बोल देता हूँ कि जो मैं गया था वहाँ पर रात में नहीं गया था, दिन में 2:30 बजे गया था, वो भी परमिशन लेकर यानी फ़ोन पर कॉन्टेक्ट करके गया था। उसके बाद वो बोलते हैं कि वो डायरेक्ट मेरे घर में घुस गया। घर कहाँ है तुम्हारा? वो ऑफिस है, घर नहीं है। सबको उसी जगह पर तुम बुलाते हो, मुझे भी वहीं बुलाए और मैं भी वहाँ गया, और उसके बाद तुम बोलते हो कि जो है मेरे घर में घुस गए। कितना झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलने की भी हद होती है, लोगों को आप गुमराह कर रहे। तो कहीं ना कहीं ये फैजी साहब आप जो है बहुत बड़े झूठ हो और तुमको मुमरा छोड़ के चले जाना चाहिए। अगर तुम, मैं फिर बोलता हूँ, अगर तुम चोर नहीं हो तो मामला क्यों दर्ज हुआ मुमरा पुलिस स्टेशन में? तो मैं आज जो हमारा ये धरना ख़त्म हुआ है, मेरे जो साथी हैं पत्रकार सुल्तान रिजवी साहब, अनवर शेख साहब, यासर बगदादी, बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर जमा हुए हैं, और आज हम लोग तब तक नहीं उठते थे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती थी, लेकिन फिलहाल जो है मुमरा पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही इसमें इस पूरे मामले में अभी से छानबीन करना शुरू कर दिए हैं, जल्द ही उनके ऊपर मामला दर्ज करेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो मेरे साथ हादसा हुआ, जो मुझे बुलाया गया अंदर, जो मुझे बैठा कर रखा गया, जो मुझे बंधक बनाया गया, उस पर मामला दर्ज करें, वो भी मेरा स्टेटमेंट लें। मैं बार बार बोलते आया हूँ, अब तक भी अभी भी बोल रहा हूँ, 1700 रुपये जो मेरे गायब हुए वो उन्हीं लोगों ने लिए, वो भी दर्ज करो आप। और आप ये भी देखिए कि वॉइस रिकॉर्डिंग में मैंने क्या पूछा था उनसे, बोला था कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इस तरह से आप चोरी की बिल जला रहे हैं, लाइट चोरी की जला रहे हैं, इतना पूछना था कि वो भड़कना शुरू कर दिए। इतने बड़े पढ़े लिखे आप हैं कि आपसे सब्र नहीं हुआ। मैं पत्रकार हूँ, मैं कुछ भी पूछूंगा, आपको जवाब तो देना है। आप जवाब नहीं दिए, उल्टा कैमरे में से वीडियो डिलीट करवा रहे, धक्का मुक्की करवा रहे, तुम्हारे लोग मुझे पकड़ के मार रहे, ये कहाँ की ये इंसाफ है? अब मुझे उम्मीद है मुमरा पुलिस स्टेशन से, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमिश्नर से, मुझे उम्मीद है थाने के विवेक फंसालकर साहब से कि वो मुझे न्याय दिलाएं, मेरा वो वॉइस रिकॉर्डिंग देखें, मेरा वो जो है वीडियो भी देखें, जो बाहर की सीन है वो धक्का मुक्की करते हुए, उस सारे चीज़ों को देखते हुए उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होता है उस पर करें। यानी 17/10/2019 को पत्रकार फिरोज हाशमी के मामले को लेकर के जो उनका उत्पीड़न हुआ है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अबू अल्तमस फैजी ने पहले उनको बुलाया इंटरव्यू के लिए, जब वो गए तो उनका कुछ कारनामा बाहर आया जिससे वो बौखला गए और उन्होंने पत्रकार फिरोज हाशमी के साथ मारपीट की, उनको बंधक बनाया, उनका पैसा छीना गया, उनका कैमरा छीन करके वीडियो डिलीट किया गया। इस सब मामले को लेकर के आज तीसरा चौथा दिन हो गया था, 2 बार पुलिस ने स्टेटमेंट लिया कलवाजी हॉस्पिटल जा करके, जहाँ पर फिरोज हाशमी एडमिट थे, लेकिन मामला नहीं दर्ज हुआ। इस मामले को लेकर आज मैं सुल्तान रिजवी स्वतंत्र पत्रकार संघ के अध्यक्ष और हमारे पत्रकार साथी अनवर कासिम शेख और यासर बगदादी और भी हमारे यूसुफ प्री और भी जितने हमारे पत्रकार साथी हैं अपने मुमरा कौसा के और बाहर के भी हमारे पत्रकार साथी सब आ गए थे धरने पर बैठने के लिए। भूख हड़ताल समझो शुरू होने वाला ही था कि यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर ने हम लोगों को बुलाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हमने जो है अल्तमस फैजी के घर पे जो है चौकसी के लिए, जांच के लिए पुलिस की एक टीम बैठा दी है, उसकी कार्रवाई चालू है और जल्द ही उनके ऊपर जो है मामला दर्ज होगा। इससे पहले उनके ऊपर चोरी का मामला दर्ज हो चुका है। तो इस आश्वासन के बाद हम लोगों ने अपना जो है भूख हड़ताल, जिस तरह से अल्तमस फैजी ने फिरोज हाशमी के साथ मारपीट की थी और सरासर वो झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था और कोई जानकारी दिए बिना जो है उनके घर पे आए थे, तो लेकिन ये फ़ोन जो है रिकॉर्ड ये उसके गवाह हैं कि अल्तमस फैजी को जो है पहले उन्होंने फ़ोन किया था, उसके बाद उनके घर पे गए थे, लेकिन अल्तमस फैजी जो है वो सरासर झूठ बोल रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो है मामला दर्ज होने के बाद साफ साबित हो गया है कि अल्तमस फैजी ने जो है बिजली चोरी की थी और उनके खिलाफ़ जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में
बिजली चोरी के आरोप में मामला भी दर्ज हुआ है, लेकिन जो फिरोज हाशमी है इनके साथ जो मारपीट की गई थी उसका मामला नहीं दर्ज हुआ था, जिसके लिए यहाँ पर भूख हड़ताल होने वाली थी, सभी पत्रकार कह रहे थे। लेकिन मुंब्रा पुलिस स्टेशन के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है मधुकर कर्ण, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो है हम इस पर कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद ये भूख हड़ताल जो है खत्म किया गया है और उनकी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।